गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। जी सुबह हो गई है, उठ जाएं और पराठे खा लें। मैंने तो खा लिया है, चाय भी पी ली है और साथ में अंडा भी खा लिया। आज ना वैसे भी बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल में, वो वापस चले गए और मेरा दिल कर रहा था ना आज मैं पराठा खा लूँ। मतलब खा के अभी तो मुझे हार्ट बर्निंग हो रही है, बड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा ना अब निकलते हैं जी, दिन के काम शुरू करते हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए वो करते हैं और उसके अलावा खाना बनाते हैं। खाने में आज मैं सोच रही हूँ कि स्वीट एंड चिली विंग्स बनाऊंगी और उसके साथ आई डोंट नो उसके साथ क्या करना है, उसके साथ कुछ भी करना है, करना नहीं पकाना है तो वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना मुझे काम करना है, आज जाना है वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर। वहाँ पे हमने जो है ना, शायद मैंने आपको पीछे किसी वीडियो में बताया भी था कि हम घर में DIY का कुछ काम कर रहे हैं, तो रूम्स तो हमने कर दिए थे और हॉलवे हम कर रहे थे, वो हमने रीप्लास्टर कर दिए हैं वॉल। वो इंशाल्लाह जब सारा कुछ सेट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी ना एंड रिजल्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वो जो कारपेट्स वगैरह हमने निकाल दी थी, उसके छोटे छोटे पीसेस करके हमने बिन लाइनर्स में डाल दिए थे और क्रिसमस और न्यू ईयर्स की वजह से सारा कुछ बंद था, तो वो तो मैं किधर भी फेंक नहीं सकी ना रिसाइकल सेंटर में जाके। तो सबसे पहले काम वो मुझे करना है ताकि मेरी पास जगह बन जाए, उसके बाद हमने पेंटिंग करनी है। आपकी बहन पेंटर है? हाँ जी, मैं पेंटिंग करती हूँ वॉल्स, फ्री में नहीं पैसे लेती हूँ। अगर आपने भी करवानी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं आके देखूँगी कि कितना चार्ज करती हूँ मैं आपको ना। खैर सच बताओ तो आज दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने को, आज दिल कर रहा है कि बस रिलैक्स करें, कोई भी घर पे नहीं है। आप सुनाएं, आप क्या कर रहे हैं? आज तो धूप ही निकली हुई है, मुझे लगता है आप दिन थोड़े लंबे होते जा रहे हैं, मतलब गर्मियों की तरह नहीं लंबे होते जा रहे, जैसे यह है कि थोड़ा सा ना आप टाइम में फर्क आता जा रहा है ना। वैसे तो अभी सर्दियां चल रही हैं, आगे 3 महीने बस सर्दियों के ही है ना। एक तो ना मेरी स्किन ये देखें, लिप्स की इतनी ड्राई रहती है विंटर में, इतनी ड्राई रहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने ना मुझे 2 हफ्तों से भूखा रखा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं इतनी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, फिर भी मेरे लिप्स इतने ड्राई हो जाते हैं ना विंटर में, क्या बताऊँ। हालांकि मैं कोई लिपस्टिक कुछ यूज़ नहीं कर रही क्योंकि लिप्स हैं इतने ड्राई ना, कुछ लगाने का फायदा नहीं है। चलें जी, अब हम रेडी हैं जाने के लिए और आप ये देख सकते हैं कि मेहमान भी आए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि मैंने किसी का गंदा टॉवल यूज कर दिया सबसे बड़ा मसला जो है ना जिंदगी में ये है, लेंस नहीं पहन लो तो ग्लासेस पहननी पड़ती हैं, अगर ये पहन लो तो जब आप मास्क पहनते हो जैसे ही आप बाहर जाते हो वो स्टीम हो जाती हैं ग्लासेस ना, फिर आपको कुछ नज़र नहीं आता। और आज मैं लेंस नहीं पहनने लगी, आज मैंने ग्लासेस ही पहननी है। चलें जी, दादी अम्मा रेडी हैं, लेट्स गो। ये है जी मेरी सर्दियों की सौगात, जिधर मैं वहाँ पे मेरी लिप बाम, साथ साथ सूखे होंठ, क्या बताएं जी। चलें जी, चलते हैं चलते हैं। ये देखें जी, ये आप कारपेट के लिए रेडी है और वॉल्स मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन ड्राई हो गई हैं मेरे ख्याल से। आप ये पेंट के लिए रेडी हैं, लेकिन सब पेंट करने से पहले मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है, जैसे आप देख रहे हैं ना ये सब कुछ क्लीन करना है, उसके बाद हम लोग करेंगे पेंटिंग जी। वैसे पेंटिंग मुझे बुरी नहीं लगती, ये जो प्लास्टर वगैरह है इस तरह के काम जो है ना ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मुझे डस्टी और ज़रा गंदे गंदे से लगते हैं। पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है, सिर्फ जो पेंट करते हैं ना ग्लॉस पेंट जो डोर्स वगैरह में करते हैं, मतलब कि लकड़ी की किसी भी चीज़ को जो करते हैं उसकी स्मेल नहीं मुझे अच्छी लगती, उसकी स्मेल मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन जो वॉल्स पे करते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। और ये है सारा सामान जो मुझे लेके जाना है वेस्ट रिसाइकल सेंटर में, थिंक 2 4 6 आई थिंक 6 7 बैग्स हैं और उसके अलावा ये बकेट है, इसमें ये सारी शार्प चीज़ें भरी हुई हैं, इसके साथ बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और ये बाकी सारी ना पहले मेरे ख्याल से गाड़ी को साफ़ करना पड़ेगा, उस पर आइस जमी हुई है ना, उसके बाद ही ये लेके चलते हैं।
और ये है कुछ बाहर की सूरत हाल। वैसे धूप निकली है, काफी हद तक बर्फ पिघल गई है। चलें जी अब काम शुरू करते हैं। इसे बड़ा केयरफुल होके मुझे इन्हें लेके जाना पड़ेगा, नेल्स पड़े हुए हैं, अगर बैग फट गए तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वन बाय वन करके मैं लेके जा रही हूँ। बैग्स तो मैं ले आई हूँ सारे गाड़ी तक, पर गाड़ी पे बर्फ़ जमी हुई है, मतलब आइस। देखते हैं खुलती भी है कि नहीं। खुल गई। मेरे पास आई थिंक स्प्रे पड़ी हुई थी आइस डिफ्रोस्ट करने वाली। हाँ जी ये पड़ी हुई है। ये बैग्स तो फिट आ गए, अब सिर्फ स्प्रे लगा दीजिए। खुल जा। अच्छा जी, सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा मेरे हाथ से लगा सकते हैं, कितना सुरख हो रहा है। चलें जी, रिसाइकल का काम तो हो गया है और आधा घंटा लगा है। बहुत ज़्यादा रश था, मुझे लगता है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद ना लोगों के घर में बहुत सारा गंद इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था। वो हमने कर लिया और अब मुझे याद आया है कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो लेने के लिए अब मैं जा रही हूँ शॉप पे। तो चलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है वैसे, सर्दी है लेकिन बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से आप जो चीज़ें चाहिए वो भी ले आते हैं, उसके बाद जो है ना वापस घर चलते हैं। और अभी मैं गई थी ग्रेग्स, वहाँ से कुछ खाना लेना था और इसके साथ ये खाना लिया है मैंने। यहाँ पे मैं काम करती हूँ ना इसी जगह पे, और यहाँ बाहर एक आदमी रोज़ बैठा हुआ होता है ना, म्यूज़िक बजा रहा होता है, तो ये मैंने उसके लिए लिया है। कभी हम जाके उसे देते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है। Hiya, are you okay? I just bought this for you. Oh, nice. There you go. Thank you. It's nice and hot. Oh, excellent. Thank you. See ya. चले जी आप चलते हैं पॉन शो। असल में मैं गई थी लेने के लिए गाड़ी पे जब बर्फ जम जाती है तो वो एक स्क्रेपर होता है, वो नहीं मिल रहा था, वो लेने गई थी लेकिन वो मुझे इस शॉप से नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि वो मुझे पाउंड शॉप से मिल जाएगा इजीली। हम गोइंग देयर। ये मास्क इतनी से मुझे मुसीबत डाली हुई है ना, जैसे ही मैं पहनती हूँ मेरी ग्लासेस स्टीम हो जाती हैं। मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने चाहिए थे, गलती हो गई है। चलें जी मैं घर वापस आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वो छोटी सी चीज़ थी जिसके लिए मुझे कोई चार डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ा। ये मतलब कि ये सिर्फ इसके लिए मुझे फोर डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ा है। ये गुम हो गई थी आई थिंक, ये इसमें ग्लव्स बनावर इसके आगे ये चीज़ लगी हुई है। ये पहले नहीं मैंने कभी ट्राई की लेकिन इस दफ़ा मैं ये वाली लेके आई हूँ, और इसके अलावा कुछ खास नहीं। तो अभी मैंने सोचा था कि अभी बहुत टाइम है, मैं घर जाके पेंटिंग वगैरह करूँगी, और जब मैंने टाइम देखा है तो अभी 3 बजने वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए।
अब तो टाइम नहीं बचा क्योंकि उसके बाद कुकिंग का टाइम हो जाएगा। कितना जल्दी टाइम गुजर जाता है ना। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आज हुआ कुछ ऐसे है कि रिसेंटली हमने ना गाड़ी चेंज की है, न्यू गाड़ी ली है। मुझे उसके बारे में इतना खास पता नहीं है। लाइक पहले मेरे पास जो गाड़ी थी वो थी मैनुअल, और अब हमने ऑटो गाड़ी ली है। तो इतना ज़्यादा इस गाड़ी को भी मैंने चलाया नहीं है, मतलब कि 3-4 दफ़ा ही चलाया है। कुछ खास मुझे इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं था। तो आज मैं जंक्शन पे खड़ी थी, तो मैंने ब्रेक जब प्रेस की है ना, तो गाड़ी का इंजन ऑफ हो गया है। तो मैं ना होना शुरू हो गई हूँ कि मतलब इंजन क्यों ऑफ हो गया। अगर मैंने ना इंजन को खुद ऑफ नहीं किया तो वो क्यों बंद हो गया है। तो फिर मैंने जल्दी से हाजर्ड लाइट्स ऑन की है ताकि लोग मुझे पीछे से हॉर्न नहीं देना शुरू हो जाए। तो फिर मैंने गाड़ी को कम्प्लीटली मतलब बंद किया, उसकी हैंड ब्रेक ऊपर की है, उसे पार्किंग में डाला, और दोबारा से मैंने ना बटन प्रेस किया है इंजन स्टार्ट करने का, फिर वो स्टार्ट हुई है। और ये मसला जो है ना आज मेरे साथ 3 दफ़ा हुआ है। और अभी जब मैं घर वापस आई हूँ, मैंने गाड़ी बाहर पार्क की है, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि जो ऑटो गाड़ी है उसकी जब आप ब्रेक ज़ोर से प्रेस करती हो, जब आप मतलब कम्प्लीटली फुट ब्रेक जब आप दबा देती हो, तो वो गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है ताकि फ्यूज़ दया नहीं होना। तो आप जैसे ही थोड़ा सा पाँव ऊपर करते हैं तो वो इंजन खुद से ऑन हो जाता है। और मैं उस टाइम से अपने आप पे हंसी जा रही हूँ कि मैं कितनी पागल हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा पाँव ऊपर करके चेक ही कर लेती ना। इतना ज़्यादा मुझे ऐसे लगो, जब मैं वहाँ पे खड़ी थी ना तो पीछे मतलब क्यों लग गया था लोगों का। फिर मैंने जल्दी से ना हाजर्ड का बटन जब प्रेस किया तो मुझे तो इतना पैनिक होना शुरू हो गया था। मैंने सोचा ओह नो, मैं क्या करूँगी, मैं मिडिल ऑफ द रोड खड़ी हूँ, आई एम सो स्ट्यूपिड। और अगर मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो वो मेरे पे कितना हंसेंगे। सो डिनर इज़ रेडी। वैसे तो मैंने बनानी थी स्वीट एंड चिली विंग्स, लेकिन जब मैंने फ्रिज में देखा है तो स्वीट सॉस नहीं था, तो मैंने बस रोस्ट ही कर लिया इनको। और इसके साथ है मश पोटैटोज और हनी रोस्टेड पार्सनिप्स हैं। चलें जी अब खाते हैं, आई एम सो हंग्री। बच्चों को ऑलरेडी मैंने खाना दे दिया है, वो खा रहे हैं।